हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के एलिमिनेटर मैच जो कि सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज अबू धाबी के शेख जैयद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने सबसे पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से विराट कोहली और देवदत्त पदिकल बैटिंग करने के लिए उतरे। विराट कोहली ने 7 गेंदों में 6 रन बनाए और जेसन होल्डर ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर चौथे ओवर में देवदत्त पदिकल मात्र 1 रन बनाकर 6 गेंदों में जेसन होल्डर की बेहतरीन गेंदबाजी का शिकार हुए। फिर 11वें ओवर में एरोन फिंच को सहबाज नदीम ने आउट किया और 11वें ओवर में ही मोइन अली भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। मोइन अली और एरोन फिंच दोनों ही सहबाज नदीम के हाथों आउट हो गए। फिर 16वें ओवर में शिवम दुबे को जेसन होल्डर ने आउट किया और 18वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को नटराजन ने आउट किया। एवी डिविलियर्स के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने 131 रन बनाए और सनराइजर हैदराबाद के पास 132 रन का लक्ष्य रखा। तब सनराइजर हैदराबाद की टीम 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मनीष पांडे और जेसन होल्डर की पारी तथा केन विलियमसन के अर्धशतक के दम पर 4 विकेट खोकर 132 रन का लक्ष्य पूरा करने में सफल रही और आरसीबी के टीम को 6 विकेट से हराया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड मैचेस को जानने के लिए, उनके हाइलाइट्स देखने के लिए और मैचेस के प्रेडिक्शन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।